2019 के दिसंबर में मोदी सरकार ने CAA को एक कानून के तौर पे पास किया। अब जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को पास हुए 4 साल से ज़्यादा हो गए हैं, तब जाकर केंद्र सरकार ने आखिरकार इससे जुड़े नियम जो हैं उनको नोटिफाई कर दिया है। इस कानून के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के गैर मुस्लिम जो पीड़ित अल्पसंख्यक हैं उनको नागरिकता दी जानी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस कानून पर रोक लगा देगा। ये सवाल इसलिए है क्योंकि इस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई हैं। नमस्ते, मेरा नाम है तरुण और इस स्विच एक्सप्लेन में जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में CAA के खिलाफ जो मामला है वो आखिर है क्या। ये भी जानेंगे कि इस कानून पर रोक लगाए जाने की कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं। लेकिन सबसे पहले ऐसी ही डिटेल्ड स्टोरीज़ के लिए, एक्सप्लेनर्स के लिए स्विच को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आपको याद होगा कि 2019 के दिसंबर में बने इस कानून के बाद दिल्ली समेत पूरा देश धधक उठा था। नतीजतन सरकार को इस कानून को ठंडे बस्ते में डालना पड़ा। मीनवाइल इस कानून के खिलाफ कई संस्थाएं और लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। सबसे पहले समझते हैं कि CAA को लेकर आखिर विवाद क्या है, ये भी समझते हैं कि इस कानून में ऐसा क्या है जो जिससे चीज़ें बदल जाएंगी। फिर इस पर बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में इससे जुड़ा मामला क्या है और ये भी समझेंगे कि इसकी कितनी पॉसिबिलिटी है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर रोक लगा दे। दिसंबर 2019 में केंद्र सरकार ने 1954 सिटीजनशिप एक्ट को संशोधित किया, यानी इसमें बदलाव किया। 1954 नागरिकता कानून में बदलाव के बाद सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है वो अपने एग्जिस्टेंस में आया। नागरिकता कानून में इसलिए बदलाव किया गया ताकि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्म के लोगों को नागरिकता दी जा सके। इन्हें नागरिकता देने के कानून की ज़रूरत इस वजह से महसूस हुई क्योंकि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में ये अल्पसंख्यक हैं। इन देशों में इन धर्मों से जुड़े ऐसे अल्पसंख्यक जिन्हें प्रताड़ित किया गया हो उन्हें इस कानून के जरिए नागरिकता देने का फैसला किया गया। जिन्हें नागरिकता दी जानी है उनके लिए कट ऑफ डेट 31 दिसंबर 2014 की रखी गई है, यानी इन तीन देशों से गैर मुस्लिम धर्म के जो प्रताड़ित लोग 2014 की 31 दिसंबर से पहले भारत आए थे उन्हें भारत की नागरिकता दी जाएगी। अगर इस कानून को इसका सार समझें तो तीन मुस्लिम बहुल पड़ोसी देशों में जो गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं उन्हें नागरिकता देने का कानून बनाया गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया, जनवरी 2020 में इस कानून को नोटिफाई कर दिया गया था, लेकिन तब इससे जुड़े जो नियम हैं वो नहीं बनाए गए थे। अब वो नियम बना दिए गए हैं, विच मीन्स कि इस कानून के तहत नागरिकता मिलना शुरू हो जाएगी। अब जब इससे जुड़े नियम नोटिफाई कर दिए गए हैं तो लोग अप्लाई कर सकते हैं सिटीजनशिप के लिए। अब बात करते हैं कि इस कानून से जो भारत के मुसलमान हैं उनमें असुरक्षा की भावना क्यों है, वो इससे क्यों डरे हुए हैं। इसी से उस सवाल का जवाब निकलेगा कि आखिर CAA के खिलाफ जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट क्यों और कैसे पहुंच गया। भारत के मुसलमानों का एक सवाल यह है कि आखिर इस कानून से मुसलमानों को बाहर क्यों रखा गया है। पाकिस्तान से लेकर अफगानिस्तान और बांग्लादेश में मुस्लिम समुदाय के लोग भी तो पीड़ित हो सकते हैं, ऐसा उनका कहना है। ऐसे में उन्हें कानून के तहत नागरिकता देने की बात क्यों नहीं की गई, ये भी उनका सवाल है। इसी से जुड़ा एक सवाल ये भी है कि क्या यह संविधान के आर्टिकल 14 का वायलेशन नहीं है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 14 कहता है कि कानून के सामने सब बराबर हैं, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। ऐसे में मुसलमानों को इस कानून का हिस्सा नहीं बनाया जाना इस आर्टिकल का वायलेशन यानी उल्लंघन माना जा रहा है। इसके अलावा जो एक सबसे बड़ा डर है वो है CAA प्लस NRC का। CAA तो गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने वाला कानून है, लेकिन NRC के तहत ये पता लगाया जाना है कि भारत का नागरिक कौन है और कौन नहीं है। मुसलमानों को इस बात का डर है कि उन्हें पहले ही CAA से बाहर कर दिया गया है। ऐसे में कहीं NRC की प्रैक्टिस में किसी वजह से ये घोषित कर दिया जाता है कि वो भारत के नागरिक नहीं हैं, तो वो कहीं के नहीं रहेंगे। उन्हें इस बात का डर है कि जब भी NRC लागू किया जाता है तो उन्हें राजनीतिक तौर पर निशाना बनाया जा सकता है, या NRC किए जाने के दौरान ऐसे जो अधिकारी हैं जो भ्रष्ट होते हैं वो भी उनकी नागरिकता की बलि दे सकते हैं। इन्हीं वजहों से असम से लेकर लखनऊ समेत दिल्ली तक मुसलमानों ने इस कानून के विरोध में चक्का जाम कर दिया था। दिल्ली से लखनऊ तक न जाने ऐसे कितने शहर रहे जहां ये सड़कों पर बैठ गए। दिल्ली के शाहीन बाग में तो जब तक कोरोना महामारी अपने चरम पर नहीं पहुंच गई थी तब तक महिलाओं ने इस कानून के विरोध में चक्का जाम किए रखा, सड़क जाम किए रखा। तो उम्मीद है कि यहां तक आपको इन सवालों का जवाब मिल गया होगा कि CAA क्या है, ये कब पास हुआ, इसके पास होने से क्या बदल गया, इससे किसे फायदा मिलने वाला है, ये भी समझ आ गया होगा
होगा कि NRC क्या है भी समझ गए होंगे कि इसे लेकर जो मुसलमानों का विरोध है, उनका जो डर है वो क्या है। आइए अब इस पर बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में CA के खिलाफ जो मामला है वो क्या है। दरअसल इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग इस कानून के खिलाफ 2020 में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। ये एक पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन ये इकलौती पॉलिटिकल पार्टी या इंडिविजुअल नहीं है जो इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। इस कानून के खिलाफ कोर्ट पहुंचने का मतलब ये इकलौता मामला नहीं है। अभी तक इससे जुड़ी 200 से ज्यादा पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल की जा चुकी हैं। पिटीशन फाइल करने वालों में महुआ मोइत्रा से लेकर असद ओवैसी और कांग्रेस के जयराम रमेश से लेकर राजनीतिक पार्टी असम गण परिषद तक शामिल है। इस पिटीशन का एक अहम हिस्सा वो आर्टिकल 14 है, जिससे जुड़ी मुसलमानों की चिंता जो है उसकी बात मैंने आपको पहले ही बताई थी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या भारत के क्षेत्र में कानून के सामने संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। मतलब इस आर्टिकल के मुताबिक भारत की धरती पर कानून के सामने सब बराबर हैं, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। CAA के खिलाफ पिटीशन में कहा गया है कि मुसलमानों को इस कानून से बाहर रखकर आर्टिकल 14 का उल्लंघन किया गया, इसका वायलेशन किया गया है। पिटीशन में यह भी कहा गया है कि असम में इलीगल माइग्रेंट्स की पहचान के लिए जो NRC हुआ है उसे CAA के साथ मिलाकर मुसलमानों को निशाना बनाए जाने का डर है, इस तरीके से इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट इन दो बातों पर गौर करेगा कि क्या ये कानून समानता के अधिकार वाले आर्टिकल 14 का उल्लंघन करता है, इस पर भी गौर करेगा कि क्या मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव हो रहा है। वहीं इस मामले में सरकार का पक्ष ये है कि मुसलमानों को इस कानून से बाहर इसलिए रखा गया क्योंकि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश ये तीनों ही मुस्लिम बहुल देश हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में सरकार के इस पक्ष को कई कसौटियों पर परखा जाएगा, जैसे कि श्रीलंका में तमिल हिंदू समुदाय के लोग लंबे समय से प्रताड़ित रहे हैं, भारत से सटे गैर मुस्लिम बहुल म्यांमार में रोहिंग्या समुदाय के लोग प्रताड़ित रहे हैं, अहमदिया और हजारा समुदाय के लोगों को पाकिस्तान से लेकर अफगानिस्तान तक प्रताड़ित किया जाता रहा है। 2020 में जब अफगानिस्तान से अमेरिका भागा था तब UNHRC के ऑफिस के बाहर अफगानियों ने कई दिनों तक, भारत का जो UNHRC ऑफिस है, कई दिनों तक इस मांग को लेकर प्रदर्शन किया था कि उन्हें तालिबान के प्रताड़ना से बचाया जाए और भारत से निकालकर यूरोपीय देशों में या अमेरिका भेज दिया जाए। ऐसे में CAA के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जो याचिकाएं हैं उनकी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट इन तमाम बातों पर गौर कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट इस कानून पर भी इलेक्टोरल बॉन्ड के कानून की तरह रोक लगा सकता है, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड पर रोक लगाने के दौरान भी सुप्रीम कोर्ट ने फंडामेंटल राइट के ही वायलेशन की बात कही थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड, ये जो गोपनीयता का मामला है इलेक्टोरल बॉन्ड में, वो एक नागरिक के जानने का जो अधिकार है, राइट टू नो, उसको वायलेट करता है। इतना ही नहीं है, इस कानून के खिलाफ एक बात ये भी है कि भारतीय संविधान के एक बेहद बेसिक फीचर सेक्युलरिज्म यानी धर्म निरपेक्षता की कसौटी पर भी ये खरा नहीं उतरता। ऐसा इस वजह से कहा जा रहा है क्योंकि इसमें इस कानून से मुसलमानों को बाहर रखा गया है। इतना सब सुनने के बाद आप जरूर बताइएगा कि इस पूरे मामले पर आपकी राय क्या है। आपको क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इसे बने रहने देगा या CAA पर भी इलेक्टोरल बॉन्ड की तरह रोक लगा दी जाएगी? बाकी ऐसे ही डिटेल्ड एक्सप्लेनर्स के लिए आप स्विच को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखते रहिएगा स्विच, मेरा नाम है तारुक।